अभी अभी राघव चड्ढा के साथ हुआ बड़ा हादसा, परिणीति चोपड़ा का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संसद परिसर में कौवे ने हमला कर दिया। फोन पर बात कर रहे सांसद के सिर पर कौवे ने आकर चोंच मार दी और उड़ गया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल बीजेपी और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पुरानी कहावत झूठ बोले कौवा कांटे से जोड़कर मजे लिए। कुछ लोगों ने राघव की सलामती की उम्मीद जताई, कुछ ने अपशगुन की बात कह डाली। हालांकि राहत की बात तो ये है कि राघव चड्ढा को चोट नहीं आई है। ये घटना मंगलवार की है, जब राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद बाहर निकले थे। राघव चड्ढा फोन पर बात करते हुए व्यस्त थे, अचानक ऊपर से कौवा आया और उसने उनके सिर पर चोट मारने की कोशिश की। राघव अचानक चौंक गए और नीचे की तरफ झुक गए। कुछ सेकंड्स में हुए थे कि घटना को न्यूज पर वायरल कर दिया गया तस्वीरों के साथ। दिल्ली बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर की गई, तंज कसा गया। बीजेपी ने कहा, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा है। अनुराग नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लोकतंत्र पर सीधा हमला, संसद परिसर में आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को चोंच मार गया पारी काओ। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।